सो इफ यू आर एन एथलीट और आपको कोई मेनिस्कल इंजरी या फिर टीयर लिगामेंट टीयर या कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स इज सिनोनिम ऑफ इंजरीज, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हो उस मेनिस्कल टीयर को या फिर लिगामेंट टीयर को, अगर उसका ग्रेडिंग बहुत कम है और आपने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन किया है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, आपने पूरा टेक केयर किया है, बट अगर आप पर्ट्यूब्रेशन ट्रेनिंग को लैक करते हैं अपने रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल में, इट कैन लीड टू इंक्रीज द चांस ऑफ रिअकरेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट पर्टिकुलर लिगामेंट टीयर और स्प्रेन, एंड इट कैन बी मोर फेटल देन द प्रीवियस वन. तो रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग पर्ट्यूब्रेशन ट्रेनिंग इवन आफ्टर पोस्ट सर्जिकल रिहैब एज वेल, अगर आप पर्ट्यूब्रेशन ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपके रीअकरेंस ऑफ सेम इंजरी के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं. तो जब इतना ही बेनिफिशियल है तो ये भी पता होना चाहिए करना कैसे है. तो आपके जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे. एक्चुअल में करते क्या है, इसमें हम पर्टिकुलर एरिया को, जो भी लिगामेंट और जो भी इंजरी हुई है, हम पर्टिकुलर कुछ एक्शन ऐसे करवा जिससे आपका रिएक्शन टाइम डिक्रीज होता है और आप बहुत जल्दी, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है जिससे आप टीयर को, लिगामेंट इंजरी को अवॉइड